हेलो गाइस, आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं जीशान और मैं शेरी। आज हम देखने जा रहे हैं आतिफ असलम और सोनू निगम का कोलैब, जो कि उन्होंने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में किया, और देखते हैं आज वो कौन से गाने गाते हैं, और इसके बाद हम अपना रिएक्शन वीडियो देंगे। बट रिएक्शन वीडियो से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेरी खान ब्लॉग्स के नाम से, और बेल आइकन को भी दबाएँ। बट एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कि हमारा चैनल व्लॉगिंग पे बेस है और हम व्लॉगिंग करते हैं, बट बिकॉज ऑफ कोरोना और बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन हम आजकल रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। तो आप हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करें, हमें अपना फीडबैक दें कि हमें रेकमेंड करें कि हम कौन सी नई वीडियोस पे रिएक्शन करें और हम मज़ीद बेहतर से बेहतर जा सकें। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को फॉलो करें। कभी नहीं हुआ, वाह यार, ये सीन देखने वाले होते हैं। आदि वाज डन समथिंग नाइस फॉर यू। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठूंगा कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा। One of the super hit song. बंदे ने क्या चेंज किया था, जरा क्यों डाय धन से बैठो भाई। यार कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल की स्टेज अपीयरेंस और स्टेज प्रेजेंस, दोनों सिंगर्स नो डाउट दुनिया में टॉप के सिंगर्स हैं दोनों। सोनू निगम वन ऑफ माय फेवरेट, आतिफ असलम कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं इस बात में कि आतिफ असलम वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, और सोनू निगम ऑन द अदर साइड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ कोर्स, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। और कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल के गाने, सालों राज किया इन गानों ने इंडस्ट्रीज़ पे, तुझे लागे ना नजरिया, और किस अंदाज में गानों की सिलेक्शन आप देखें कि बिल्कुल स्लो सॉन्ग और अगले लम्हे बिल्कुल हाई पिच के सॉन्ग्स गाए, और इसमें ज़्यादा शब्द ज़्यादा अल्फाज नहीं है हमारे पास कहने को, बट क्योंकि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, जितनी तारीफ़ की जाए तो हम ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में। बस इनकी परफॉर्मेंस जब देखते हैं, जब इनके गाने सुनते हैं, तो बंदा बिल्कुल उसमें खोसा जाता है। तो आपके पास ज़्यादा अल्फाज नहीं रहते कि आप कुछ बोलो, लेकिन चंद अल्फाज में अगर हम समेटें इन दोनों की परफॉर्मेंस को, तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप सोने की दुकान में या हीरे की दुकान में आप बैठे हैं और आप हीरे देख रहे हैं, अपनी आँखों के सामने आपके हीरे रखे हैं, तो यही कह सकते हैं इनके बारे में। बहरहाल ये हमारा रिएक्शन था, छोटी सी वीडियो थी, तो इन द एंड हम यही कहेंगे कि आप हमें फीडबैक दें, हमें
बताएं कि हम कौन सी वीडियोस पे रिएक्ट कर सकते हैं और कौन सा नया कंटेंट जो बेहतर हो, जो आपको अच्छा लगे, आप हमें बताएं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।